देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज प्रिपोजिशन आपका समापन कर दिया जाए उसका। हाँ जी, हो गया सबके डन। चलो जी, देखते हैं हम लोग कि आपने क्या कारनामा किया। अच्छा, कुछ लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि चैट फैकल्टी पे मैसेज किया करो, चैट फैकल्टी, जहाँ चैट वर्ड आए वहीं मैसेज करना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना मैसेज किए रहते हैं। चलो, मेंशन का मतलब, शो करना, दिखाना, बताना, एफ आ जाएगा। मियर माने ओनली, एच हो जाएगा। माइट का मतलब हो जाता है माइट, MIGST, माइट माने पावर, ए इज राइट। माइल्ड माने हल्का, तो हल्का के सेंस में बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइट, बी करेक्ट है। माइन्यूट माने सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब सटल होगा, सी इज राइट। ध्यान रखना इसमें बी साइलेंट है, ये सटल नहीं पढ़ते हैं, सो क्या पढ़ते हैं, सटल, बी साइलेंट होता है। मिंगल माने मिक्स होना, मिक्स का यहाँ पे अमालगमेट, या वो तो दिया नहीं है तो ब्लेंड दिया, वर्ब है तो आई, मिक्सचर अमालगमेशन, डी आ जाएगा। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, तो ये हमारे पास कंटेम्प्ररी हो जाएगा, ई। और मोर ओवर मतलब इसके अलावा या के अलावा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम, यस जी। कार्तिक वर्मा 9, आनंद पाल जी स्कोर बताइए, अनुराग ठाकुर 0 बता रहे हो कि ओ बता रहे हो, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। आनंद पाल के 9, वेरी गुड। देव कुमार 9, बहुत बढ़िया, ये हुई एनडीए के बच्चों के साथ, यही तो मजा आता है, एनर्जेटिक, एकदम धुआंधार पढ़ाई करते हैं, मजा आ जाता है इनको पढ़ा करके। स्कोर सबके 9, बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे 7 होगा, इसे नीचे कोई करके दिखाए हमारे बच्चों को। कंटेम्प्ररी का मतलब तो एट द सेम टाइम होता है बेटे मणिपाल जी। कंटेम्प्ररी का मतलब समकालीन भी होता है, और कंटेम्प्ररी का मतलब आधुनिक भी होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 8 नहीं हो सकते किसी के। नीतीश मिश्रा जी और प्रिंस पचौरी, 8 कैसे हो सकते हैं, एक गलत होगा दूसरा भी गलत हो जाएगा। आनंद पाल कह रहे हैं इसमें क्या करना, वोकैबुलरी से याद कर लेना है। आनंद पाल जी, ये 14वां सेशन चल रहा है, अब आप सोचिए कि हाफ से ऊपर हम कर चुके हैं, 25 सेशन का ये है बेटे। कंटेम्परेरी डांस जो आप कहते हैं उसका मतलब आधुनिक डांस, आजकल का डांस, ये मतलब हुआ उसका। हाँ जी बेटे, वही ना, बिल्कुल वही, टेस्ट दिए थे पिछली बार बेटे। अमालगमेशन मतलब मिक्सचर होता है, अमालगमेशन का मतलब मिक्सचर। अच्छा, नीतीश मिश्रा की पहली क्लास है, कोई नहीं बेटा, फिर तो ठीक है, चलेगा। शिवम भट्ट कह रहे हैं पहले वाली आवाज कर दो। देखो शिवम, ये पहले वाली आवाज, ये वाली पहले वाली आवाज, कौन सी आवाज ठीक लग रही, ये वाली जो अभी या इसके पहले जो चल रही थी वो। सागर को सेम लग रही है और शिवम को अभी वाली ज्यादा सही लग रही है। आर्यन कह रहे हैं ये वाली ज्यादा सही है, ठीक है भाई, फिर बहुत बढ़िया। फिर तो सेकंड मैचिंग कॉलम कर लिया सबने,
हाँ जी चलें। कार्तिक अरे सर अभी 10 अगस्त आई भी नहीं और ऐप पे 10 अगस्त से रिकॉर्डिंग अपलोड है, 10 अगस्त नहीं आया अभी, तो आज 12 अगस्त है मेरे ख्याल से। क्यों भाई कार्तिक जी? चलो जी बात आगे बढ़ाते हैं। विवेक कह रहे ये नींद में है भाई, मुझे नींद में नहीं, मुझे कुछ और बात लग रही है। हाँ हाँ चलो नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस, एफ हो जाएगा। नेसेसरी माने आवश्यक, ए कंपल्सरी, नेबरहुड माने पड़ोस, तो ये हो जाएगा जी विसिनिटी। नेवर का मतलब कभी नहीं, ये हमारे पास होगा बी सेल्डम। नेवरदलेस माने फिर भी, ये हमारे पास हो जाएगा इवन देन सी। नॉवल माने, नॉवल का मतलब उपन्यास, फिक्शन, बी हो जाएगा। नर्स का मतलब केयर करना, ध्यान रखना, नर्स वर्ब के रूप में है, सो ई आएगा टेक केयर ऑफ। स्कोर बताओ जल्दी से। बेटर नॉवल माने उपन्यास भी होता है, नॉवल माने ठीक है नया भी होता है, तो फिक्शन मतलब उपन्यास होता है। फिक्शन कह लो नॉवेल कह लो, एक ही बात है, उपन्यास। मनु श्रेष्ठ कह रहे हैं क्लास क्यों नहीं आ रही थी, भाई क्लास तो 11:30 से चली रही है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ जल्दी से फटाफट। नितेश बेटे नेसेसरी माने आवश्यक होता है, नेसेसरी माने आवश्यक। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए सबके। Might is right. He felt as responsible for the accident. He felt morally. There was only a dash between the bed and the wall. There was only a narrow gap. Narrow gap between the bed and the wall. A dash young woman is living next door. A mysterious. Her scars are hardly dash now. Her scars are hardly noticeable now. Her scars are hardly noticeable now. 5 में 5 करेक्ट हो गए, ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये हुई बात, ये सब हो चुका है प्रीपोजिशन। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पे जिस चीज को हम लोग कर रहे थे। हमने आपको कुछ नो प्रीपोजिशन वाली बातें बताई थी, चलो भाई मेरे ख्याल से बिटवीन और अमंग वाली बात बाकी रह गई थी, ये मैं करा देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ता। ठीक है भाई शुभम, बहुत बढ़िया। देखो भाई
ये बचपन से पढ़ते चले आए हैं आप लोग कि बिटवीन का यूज दो के लिए और अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए, बचपन से पढ़ते चले आए ये खास बात ध्यान से। आज देखो, बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यदि ट्रीटी एग्रीमेंट या ज्योग्राफिकल एरिया हो तो अमंग गलत है, ठीक है। ट्रीटी एग्रीमेंट और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अमंग गलत है, बिटवीन आए, ठीक ना। अमंग इज रॉन्ग, इट विल बी बिटवीन, बिटवीन होगा, अमंग गलत। ठीक है कार्तिक वर्मा, इंग्लिश से कोई बुक नहीं लेनी बेटे, जितनी पढ़ाई जा रही उतनी आप पढ़ते रहें, बाकी बुक एब्स आप प्रीवियस ईयर से करते रहें और पेपर केवल सॉल्व करें, बस कोई बुक नहीं लेनी है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उतना खाली करिए, बाकी क्वेश्चन खाली सॉल्व करना आपको। तो बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यदि ट्रीटी अग्रीमेंट या ज्योग्राफिकल एरिया हो तो अमंग नहीं आएगा, बिटवीन ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का। आपके पास ये तीन क्वेश्चन है, ध्यान से करो अच्छे से, थ्री क्वेश्चंस, बी केयरफुल। हाँ जी, उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया और बेहतरीन आंसर आपके आए होंगे, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चांस ही नहीं है गलती होने का। चलो देखते हैं एक बार, वर्ल्ड कप वॉज प्लेड डैश 10 कंट्रीज, क्या आना चाहिए यहाँ पे, वर्ल्ड कप वॉज प्लेड बिटवीन 10 कंट्रीज, अमंग नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूट दी मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन, अमंग आ जाएगा, क्योंकि ना कोई एग्रीमेंट का सेंस आ रहा ना ही कुछ ऐसा आ रहा। प्रॉपर्टी शेयर किया गया तो एक समझौते के तहत होगा, सहमति के तहत होगा, यहाँ पे बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। प्रिंस पचौरी, क्या ए का यूज विद का साथ करते वाई बाई के साथ, समझ में नहीं आई आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं बेटे। चलो रोहन कुमार, तीन आ गए, थर्ड में बिटवीन क्यों आया बेटे, प्रॉपर्टी शेयर किया जाएगा भाइयों में तो एग्रीमेंट के तहत होगा। एक बार ये समझा दोगे कि बिटवीन कहाँ आता है और अमंग कहाँ आता है। आर्यन जी, पहले यही समझाया बेटे, उसके बाद क्वेश्चन कराया, देखो ध्यान से। कंट्री तो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिक है ना, हाँ कंट्री ज्योग्राफिक है, लेकिन कंट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है 10 देश के बीच की बात, एग्रीमेंट के तहत है। ये नहीं होगा कि 11वां देश पे यार यार हमें भी खिला लो थोड़ा सा, हम भी क्रिकेट खेल लें, ऐसा नहीं होगा, वो तो फिक्स है, वही चलेगा। ठीक है जी शिवम, आदित्य क्लियर हुआ, फर्स्ट नहीं समझ पाए, अब तो समझ गए होगे। ए का यूज किसके साथ करते हैं विद और बाई, यहाँ पे ए का यूज का मतलब क्या आ गया, समझा नहीं तुम्हारी बात भाई, मैं ये क्वेश्चन ही कैसा अजीब सा है, ए का यूज विद के साथ करते हैं बाई के साथ, मतलब समझा नहीं आपकी बात मैं एग्जैक्टली। आप प्रॉपर क्वेश्चन बताएं या प्रॉपर और तरीके से पूछो कि क्या पूछना चाह रहे। फर्स्ट में तो दो से ज्यादा टीम है तो बिटवीन आएगा, बता तो दिया है सारी बातें, बताया, ध्यान नहीं दिया लग रहा। ये नोट पढ़े बेटे आर्यन, आर्यन इस नोट को तुमने पढ़ा ध्यान से, या जो नोट लिखवाया मैंने, बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यदि कोई ट्रीटी एग्रीमेंट या ज्योग्राफिकल एरिया हो तो, ठीक है ना, अमंग गलत है। तो प्रिंस पचौरी बेटे, इंस्ट्रूमेंट पूछो ना तुम, अ पूछ रहे हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा विद लगता भाई, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट औजार के साथ हमेशा विद आएगा, बाई नहीं आएगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी या नहीं,
नहीं बताई, कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। देखो जनरली हमारी आदत होती है कि हम एंटर के साथ इनटू लगाते हैं, एंटर इनटू अ रूम या हॉल, इन्वेस्टिगेट इनटू अ केस, डिस्कस अबाउट समथिंग, डिस्क्राइब अबाउट समथिंग, अटैक ऑन या ओवर समबडी या समथिंग, इन्वेड ऑन या ओवर समबडी, ऐसे करके हम यूज करते हैं, राइट? आपको अब क्या समझना है? गलत है, ठीक है? नो प्रेपोजिशन, इन सभी वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता। मनुश्रेष्ठ कह रहे हैं कि डन हो गया, मतलब शायद मैंने डायरेक्ट ये करा दिया था, है ना भाई? वही वाली बात है, एक लिस्ट आपको बता के बाकी मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। एंटर इन टू अ रूम या हॉल, इन्वेस्टिगेट इन टू अ केस, डिस्कस अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट, अटैक ऑन या ओवर, इन्वेट ऑन या ओवर। यार अथर्व कह रहे नहीं कराया था, मनुश्रेष्ठ कह रहे करा दिया, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई मेरे को। इनके साथ बच्चों कोई नहीं, नो प्रीपोजिशन कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होने पर प्रीपोजिशन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर चेंज होगा तो प्रीपोजिशन आएगा, मतलब करा दिया है ये। जैसे एंट्री टू अ प्लेस, इन्वेस्टिगेशन इन टू अ केस, डिस्कशन ऑन, डिस्क्रिप्शन ऑन एंड अटैक ऑन, ऐसे करते हैं ना। साइन ऑन पेपर, इम्फेसाइज ऑन समथिंग, रिजेंबल विद समबडी, ऑर्डर फॉर समथिंग, लैक ऑफ, ऐसे करके, ठीक है? अच्छा लैक यहाँ पे वर्ब के रूप में है तो अक्सर हम इन लगाते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है? अगर नाउन होगा तो ऑफ आएगा, तो पुट सिग्नेचर ऑन नाउन बना तो आ गया, गिव इम्फेसिस ऑन नाउन बना तो आ गया, रिजेंबलेंस हो गया तो टू आ गया, फिर ये आते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ध्यान से आप, हमारे पास वर्ड आ गया बिफोर, है ना, प्रिसीड बिफोर, सक्सीड आफ्टर, मैरी विद, कंप्राइज ऑफ, अपोजिट के बाद टू, रीच के बाद एट अ प्लेस, ऐसे करके हमारे पास ये सब चीजें आती जा रही हैं। नो प्रीपोजिशन, दो खास बातें आपके लिए यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर मैरिड हो गया तो टू और कंप्राइज हो गया तो ऑफ पैसिव वॉइस में। देखो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब की फॉर्म के चेंज होने से प्रीपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास क्या यहाँ पे आ गया, ध्यान से आप देखें, लुक इन टू, एनक्वायर इन टू और इन्वेस्टिगेट, लुक इन टू, एनक्वायर इन टू और इन्वेस्टिगेट, ठीक है? प्रिंस पचौरी विद और बाई वाले स्लाइड बीच पिछली क्लास में हो चुका है तो आप उसके रिकॉर्डिंग देख लो, मिल जाएगी आपको, अदरवाइज थोड़ा वेट करो, मैं एक बार ये करा के फिर आगे आ जाऊंगा, बता दूंगा आपको फिर पीछे। अभी जहां से चल रहे वहां से चलते रहो, आप ध्यान इस पे फोकस करो, ज्यादा जरूरी है बेटे। बाई आता है पर्सन के साथ और विद आता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो वाली बात वो थी, और पिछली क्लास में हुआ है, पीडीएफ भी उसकी गई हुई है और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो बेटे कहने का मतलब ये रहा कि लुक इन टू, इंक्वायर इन टू और इन्वेस्टिगेट, कुछ भी इनमें से हो जाए, आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप प्रीपोजिशन उस तरीके से यूज करेंगे। द ऑफिसर लुक्स इनटू, इंक्वायर्स इनटू और इन्वेस्टिगेट। देखो अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया, प्रीपोजिशन नहीं लगा, जब हम कंटिन्यूअस टेंस भी ले रहे हैं, ठीक है, लुकिंग इनटू, इंक्वायरिंग इनटू
आप लुकिंग और इनटू और इंक्वायरिंग के साथ इनटू, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, चाहे वर्ब कुछ भी हो जाए। तो वर्ब के होने से या वर्ब के फॉर्म के चेंज होने से प्रीपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। वर्ब के फॉर्म चेंज होने से प्रीपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये ध्यान रखना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू, इंक्वायरिंग इनटू और इन्वेस्टिगेटिंग द केस, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे हमारे पास लुक लाइक आ गया, टेक आफ्टर आ गया और रिजेंबल आ गया। लुक लाइक, टेक आफ्टर और रिजेंबल, वो दिखती है, ठीक है। रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, दिखती थी, पास्ट में जाओ तब भी लुक लाइक हो गया, टुक आफ्टर होगा, रिजेंबल्ड होगा, नो प्रीपोजिशन, रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो ये बात बताने का पर्पज यही था कि कुछ भी चेंज हो जाए वर्ब की फॉर्म, उससे प्रीपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान से देखो एक बात और आप, चलो जी अब हमारे पास क्या आ गया भाई, ध्यान से देखो। कंसिस्ट है तो ऑफ लगेगा, इज कंप्राइज्ड पैसिव वॉइस है तो ऑफ आएगा, केवल कंप्राइज है, एक्टिव है तो ऑफ नहीं आएगा। अक्सर हम कंप्राइज के बाद ऑफ लगाने की गलती करते हैं, जबकि गलत होगा। नोएडा सेंटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइजेस कुछ नहीं, इज कंप्राइज तो यहाँ पे ऑफ, मतलब सब कभी कि नोएडा सेंटर में 100 स्टूडेंट्स हैं। This box comprised dash 10 pieces of burfi. This box comprised, no preposition, कुछ नहीं आएगा। And 10 pieces of burfi consist in this box. यहाँ तो इन आ जाएगा, क्योंकि place बाद में होगा तो of this box तो होगा नहीं, place बाद में होगा और वस्तु पहले होगी तो consist in आएगा। आनंद पाल कह रहे क्या हो गया, मतलब समझा नहीं बेटे क्या कहना चाह रहे हो, क्या हो गया मतलब कहाँ क्या हो गया। सेकंड में इज नहीं है इसलिए कुछ नहीं, गलत चीज मत सीखो बच्चे, मनुश्रेष्ठ ये एक्टिव वॉइस है और ये इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप इज कह लो, आप वाज कह लो, जो आपका दिल करे। ऑफ, भैया सेंटर सिंगुलर है तो कंसिस्ट का एस क्यों हटाओगे कार्तिक वर्मा, हाँ तीसरे को समझ लो आप। देखो इन सब में क्या भी स्थान पहले है और वस्तु बाद में है, अगर थिंग पहले आ जाए और फिर कंसिस्ट वर्ड आएगा तो इन यहां लगेगा, थिंग्स कंसिस्ट इन और फिर यहां पे हो गया प्लेस। कोई वस्तु है कंसिस्ट इन दैट प्लेस, ये ध्यान रखना। तो पीस ऑफ बर्फी ये थिंग्स है, कंसिस्ट हो गया, इन हो गया और बॉक्स हो गया, बॉक्स प्लेस है इसलिए यहां पे इन आए।
ठीक है भाई, क्लियर? आ जाओ। हाँ ठीक है, 4 तक हो गए सबके, चेक किया जाए। He entered dash his bedroom dash his drawing room. He entered his bedroom from his drawing room या through his drawing room, ये हो जाएगा। राम मैरिड सीता, क्या हो जाएगा? सीता वॉज मैरिड टू राम, पैसिव वॉइस है। द ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, नो प्रीपोजिशन। कुछ नहीं आया। द ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इन्वेस्टिगेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। जल्दी से क्वेश्चन बताओ, फटाफट आंसर बताओ। Let us discuss no preposition, D आएगा। He resembles dash his mother, जल्दी से बताओ क्या आएगा फटाफट। आंसर्स आपके आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिजेंबल्स नो प्रीपोजिशन, वेरी गुड। अगला, ही रीच्ड डैश द टॉप ऑफ द माउंटेन, ही रीच्ड डैश द टॉप ऑफ द माउंटेन। No preposition. He reached dash the top of the mountain. No preposition. You are advised to learn this lesson word dash word. You are advised to learn this lesson word dash word. क्या हो जाएगा इसके पहले? ठीक है, अब यहां पे आएगा वर्ड बाय वर्ड।
या वर्ड टू वर्ड, क्या आएगा भाई आंसर? वर्ड फॉर वर्ड्स। क्या बात है भाई, तेज तर्रार हो गए सब लोग, वाह धोखे में नहीं आ रहे तुम लोग। कुछ लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जो चैट फैकल्टी के अलावा कहीं और चैट करते हैं। आपको चैट भेजना है चैट फैकल्टी पे, चैट फैकल्टी जहां लिखा रहे वो। चलो ये पांच क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के, बार देखो कितने सही होते हैं आपके। द न्यूज ऑफ हिज अराइवल ये हो चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं, कार्तिक वर्मा कह रहे हैं हो चुका है। द न्यूज ऑफ हिज अराइवल ब्रोक आउट, द थीफ डैश द हाउस, ही डैश हर आफ्टर स्टीलिंग हिज वॉच, That lady is dead, her son will. And extensive tests have been dead on the patients. Extensive tests have been carried out. Extensive tests have been carried out on the patients. कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों को देखते हैं। आ जाओ एट पास के अर्थ में, एट हमारे पास आ रहा है पास के अर्थ में, एट द डोर, एट द विंडो, एट द डेस्क, एट द टेबल, एट काउंटर, एट प्लेटफॉर्म। अब देखो एट प्लेटफॉर्म कब होगा, जब ट्रेन की बात होगी तब, नहीं तो पर्सन की बात होगी तो ऑन द प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा डेस्क टेबल और काउंटर साथ बिहाइंड आ सकता है कि नहीं आ सकता? आप किसी होटल पे पहुंचो तो आप देखो रिसेप्शनिस्ट कहाँ होते हैं, डेस्क के पीछे होते हैं, नहीं रिसेप्शनिस्ट कहाँ होते हैं, डेस्क के पीछे, उसी सेंस में आए। He was standing at the door, दरवाजे पर। She was studying at her study table, जैसे आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो टेबल पे बैठ के हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वो अपने टेबल पे बैठा, वो अपने टेबल पे है। एक्चुअली हम लोग टेबल के ऊपर नहीं होते, उसके पास में होते, उस सेंस में एट आता है। आनंद पाल रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना बेटे। अब देखो ये आनंद पाल के अलावा और किसी के भी साथ हो सकता है दैट आप डिसकनेक्टेड हो जाएं। मान लो जैसे आनंद पाल कहने लास्ट 5 मिनट रिपीट बिकॉज आई डिसकनेक्टेड। अब बेटे 100 बच्चों में अगर 2-4-5 बच्चे मान लो डिसकनेक्टेड हो गए,
या सपोज क्लास में बैठे रहते हैं, सपोज ऑफलाइन क्लास में बैठे होते हैं मान लो, और सपोज किसी घर से फोन आ गया पापा का मम्मी का, तो फोन रिसीव करने के लिए क्लास से बाहर जाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बाहर से फिर अंदर आया क्लास के, उसका नो डाउट 50 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए क्लास डिसकनेक्टेड हुई, फिर क्लास में आया और फिर बोला सर रिपीट करो दोबारा से, बताओ। ठीक है, तो बेटे रिकॉर्डिंग्स आप देख लेना, ठीक है, बाकी जो दिक्कत आएगी मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए भाई। रिवीजन वो करेगा जिसको जरूरत है, अब मैं फोर्सफुली रिवीजन थोड़ी करा दूंगा किसी की। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शी वॉज स्टडिंग एट हर स्टडी टेबल। आनंद पाल अगर बाकी सब कह दें कि 5 मिनट पिछला सेशन फिर से पढ़ाया जाए, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा। सभी लोग बताएं क्या फिर से 5 मिनट का सेशन पढ़ना है, पिछले 5 मिनट का, या मैं आगे बढ़ूं? नो सर, नो सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ज्यादातर लोगों के आगे बढ़ो आ रहा है, 5-6 लोगों के कर दो सर रिपीट कर दो भी आ रहा है। ठीक है, चलिए यहां से चलते हैं। मेजॉरिटी कह रही आगे बढ़िए, ऑप्शन है यार, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे पास ऑप्शन रिकॉर्डिंग देखने का, अब तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, शी वॉज स्टडिंग एट हर स्टडी टेबल, एंड द रिसेप्शनिस्ट वॉज डैश द इंफॉर्मेशन। और वैसे भी पिछले 5 मिनट में क्वेश्चंस हुए हैं जिसके आंसर्स आपके पास मौजूद है। देखो बेटे 5 मिनट में हमने आपको यही बताया कि इन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। क्वेश्चन आपके सामने, ही एंटर हिज बेडरूम, नो प्रीपोजिशन, फ्रॉम या थ्रू ड्राइंग रूम हो सकता है, राम मैरिड सीता, एक्टिव वॉइस नो प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस में 2 लग जाएगा, ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग नो प्रीपोजिशन, आ जाओ डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता है, नो प्रीपोजिशन, रिजेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है तो विद नहीं आएगा ना तो 2 आएगा, नो प्रीपोजिशन, रीज्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता प्लेस दिया है तो नो प्रीपोजिशन, और वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाई वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। ठीक है, या आप कह रहे हैं कि पहले ही हो चुका है फिर भी हमने करा दिया, फ्रेजल वर्ब्स हैं ज्यादातर और उनमें कौन सा वर्ड किसके साथ लगना आपको बता दिया गया और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने दोनों लोग की बात मान ली, स्टैंडिंग एट द डोर, स्टडिंग एट हर स्टडी टेबल, रिसेप्शनिस्ट वॉज, यहाँ पे एट भी आ सकता है बिहाइंड भी आ सकता है। एट द इंफॉर्मेशन डेस्क या बिहाइंड द इंफॉर्मेशन डेस्क, एंड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म, बताओ। भाई शिवम भट्ट किस फोटो की बात आप कर रहे हो, कहाँ फोटो है? अगला जाओ भाई, ऑन की बात हम कर रहे हैं। सिट ऑन चेयर है ना, सिट ऑन स्टूल, सिट ऑन बेंच, सिट ऑन प्लेटफॉर्म। ऑन प्लेटफॉर्म कब होगा ध्यान रखना, पर्सन के सेंस में, जब पर्सन की बात होगी तो ऑन प्लेटफॉर्म आएगा। ट्रेन वाले में बिहाइंड कैसे आया यार? ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है शिवम, प्लेटफॉर्म के पीछे थोड़ी ट्रेन आती है कभी, जब ट्रेन और उसके प्लेटफॉर्म की बात होगी तो हमेशा ऐट आएगा। सिट इन आर्म चेयर, इन आएगा, चेयर पे हत्थे जनरली नहीं होते हैं हाथ वाले, उनके साथ ऑन कर देते हैं, अगर चेयर के साथ इन लगा दिया तो समझ जाना वो इन आर्म चेयर की बात हो रही, मतलब वहां पे हत्थे हैं, तो बैठा है कोई अगर सिट इन चेयर,
ठीक है, आम चेयर के सेंस में ये हो गया आपके पास। सम पीपल आर सिटिंग नेक्स्ट द बेंचेस, क्या हो जाएगा? सम पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड द जज इज सिटिंग इन हिज चेयर, जज इज सिटिंग इन हिज चेयर, यहां पे इन आ जाएगा। लिव एट स्मॉल और एग्जैक्ट प्लेस, लिव इन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री या वर्ल्ड, और लिव ऑन कैंपस। बेटे एट द ब्रांचेस नहीं हो सकता, छोटी जगह के लिए एट डिस्ट्रिक्ट स्टेट मतलब कोई जिला है राज्य है ना, उसके लिए इन, कैंपस है तो उसके लिए लिव ऑन कैंपस, ऐसे करके चीजें हैं हमारे पास। ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, बस क्वेश्चन देख के बताओ कहाँ पे क्या लग रहा है। बेटे चेयर के केस में हमेशा ऑन लगता ही है, अगर सिट इन चेयर कहीं पे आ जाओ तो समझ जाना वो आम चेयर की बात कर रहा है, भले पूरा चेयर ना लिखे लेकिन आम चेयर की बात फिर करता है। ठीक है दीपेंश, दीपांश, लिव्स एट त्यागराज कॉलोनी ऑन बीएचयू कैंपस। इन वाराणसी, इन यूपी, इन इंडिया। ही लिव्स एट त्यागराज कॉलोनी ऑन बीएचयू कैंपस इन वाराणसी, इन यूपी, इन इंडिया। ये ध्यान से पढ़ो, बेटे जब हम प्रीपोजिशन देंगे तो इन लगेगा, नहीं देंगे तो कॉमा लग जाएगा। वाराणसी जिला का नाम लेंगे तो इन आएगा, वाराणसी शहर का नाम लेंगे तो एट आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही, हर चीज समझने के लिए नहीं होती, बहुत सी चीजें क्या होती हैं स्वीकारने के लिए हो जाती हैं, इसलिए हर चीज को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक होता है प्रीपोजिशन के फिक्स्ड वाले प्रीपोजिशंस, फिक्स्ड वाले प्रीपोजिशन जो वर्ड्स के साथ आते हैं वो, खाने की वस्तु, जीवन यापन करना, लिव आ रहा तो लिव वाले वर्ड्स एक साथ कर लेते हैं, लिव ऑन समथिंग।
जैसे लिव्स ऑन ग्रास, तो घास खा के जीवन यापन करता ना डियर। बेटा शहर छोटा होता सुमित और जिला बड़ा होता है, एक जिले में कई गांव कई शहर सब आ जाते हैं। लिव बाई कस्टम और ट्रेडिशन। लिव बाई कस्टम और ट्रेडिशन। द ट्राइबल्स लिव बाई द कस्टम्स ऑफ कम्युनिटी। द ट्राइबल्स लिव बाई द कस्टम्स ऑफ कम्युनिटी। The tribals live by the customs of community. ठीक है भाई, live by। अच्छा जीवन यापन करते हैं तो कुछ काम करके, जो काम करके जीवन यापन चलता है वहां पे by लगाएंगे, वहां भी है ना, live by doing something, मतलब जिससे कोई काम जिससे जीवन चलता है। इन केरला बहुत से लोग मछली पालन करके, मतलब मछली मार के उनको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, तो इन केरला मेनी पीपल लिव बाई फिशिंग। ठीक है भाई, आगे दो तीन क्वेश्चन करते हैं फटाफट। द ट्राइब्स लिव्ड डेज कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। लिव बाय बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे। लाफ स्माइल स्कॉफ और डेराइड, इन सब के साथ एट आता है। ठीक है, एट आएगा, एट समबड़ी या समथिंग, मेक फन होगा तो ऑफ आएगा, मेक फन ऑफ, एक ही मतलब हुआ सबका, और वो हो गया उपहास करना है, मजाक उड़ाना। He was laughing at me या on me, क्या हो जाएगा? Laughing at me, सही है, on नहीं आया। She scoffed dash the idea of revolution. Scoffed at. She scoffed at the idea of revolution. मजाक उड़ा। ध्यान रखना इस बात का, मॉक के बाद एट गलत है, क्या लिखा हुआ है? नो प्रीपोजिशन। मॉक के बाद एट गलत है, नो प्रीपोजिशन। शी मॉक्ड माई प्लान, एट या ऑन या क्या, नो प्रीपोजिशन। बहुत बढ़िया कार्तिक, क्या बात, कार्तिक ने प्लान बनाया कि आज से मैं रोज 20 घंटे पढ़ूंगा, तो क्या होगा? ये बात सुन के हम लोग हंसेंगे, और हमारा अंदाज हंसने का कैसा हुआ भाई, हम कहीं ना कहीं से चिढ़ा रहे हैं उसे, हंसी मजाक है ना। तो शी मॉक्ड माई प्लान, एक बात और लास्ट देख लो ध्यान से, फॉर्चून या फेट अगर वर्ड आ गया तो स्माइल के साथ ऑन आएगा। फॉर्चून या फेट अगर आया तो स्माइल ऑन आएगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया भाग्य साथ दे रहा है। जैसे
फॉर्चून इज स्माइलिंग डैश हिम, क्या मतलब हुआ? भाग्य उस पे मेहरबान है या भाग्य उसका साथ दे रहा है। फॉर्चून वर्ड आ गया तो अब स्माइल के साथ ऑन लगा दो। आज की सभा बेटे इतनी ही, बाकी चर्चा जारी रखेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। डाउट जरूर आप भेजते रहिए सफलता ऐप पर, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।